नबी करीम का, पर घर के अंदर नफल पढ़े नबी पाक। और हुजूर फरमाते हैं कुछ नफल नमाज घर में भी पढ़ा करो, घर को कब्रिस्तान ना बनाओ। हमारा घर अल्लाह के जिक्र से आबाद होगा अगर हम नमाज पढ़ेंगे ना। मैं जब सुन्नत पढ़ने के लिए घर में खड़ा होता हूँ तो मेरा जो 2.5-3 साल का बेटा है ना, वो भी मेरे साथ नमाज पढ़नी शुरू कर दो। उसे पता कोई नहीं नमाज क्या होती है, लेकिन वो भी ना सजदा ना भी करना है तो साथ लेट ज़रूर जाता है। पता चला बच्चे लेक्चर देने से नमाज नहीं पढ़ते, नमाज शुरू कर दें तो बच्चे भी शुरू कर देते हैं। हम जब परेशान होते हैं तो लेक्चर देते हैं, तो लेक्चर तो बाहर शायद चल जाए, घर में कैसे चलेगा, घर में तो अमल चलेगा। तो मेरे अजीज़, आज के इस रूहानी इज्तिमा में हमारे दोस्तों ने जो मेहनत की, हमने बार बार अपनी नीयत से पूछा, खुदा हमें माफ़ करे अगर कोई ज़ाती शोहरत है, कोई हमारे ज़ाती मफादात है, रब हमें हिदायत दे। हमारी ये ख्वाहिश थी कि रूहानी इज्तिमा हमें थोड़ा सा अल्लाह और उसके रसूल के जाने मायल करें, कुछ हमारा रिश्ता मुसल्ले के साथ मजबूत।